हेलो एवरीवन हाय आई होप यू आर डूइंग गुड वेलकम टू द नीट विस्पर सीरीज विद द वीएमसी आई होप आप लोग सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे इस टाइम पे और रिवीजन कर रहे हैं कुछ टेस्ट दे रहे हैं हमारे साथ बने हुए हैं ये हमने एक लास्ट uh, के वन मंथ में नीट प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज़ लॉन्च की है जिसमें हम एक रिविजन क्लासेस ले रहे हैं तो पर सब पर लेक्चर हम एक लेक, चैप्टर कंप्लीट करते हैं और उसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो कि नीट के पैटर्न के हिसाब से रेलेवेंट है ओके okay? सो so, कुछ चीजें हैं जैसे हम डेली भी डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और कुछ आज भी मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पे रिविजन कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वेल एंड गुड वो तो करना ही है इसके अलावा आई एम होपिंग कि आप लोग दिन में मॉक टेस्ट जरूर दे रहे हैं अपना टाइम निकाल के तो मॉक टेस्ट कैसे देने हैं और किस टाइम पे देने हैं किस तरीके से देने हैं दैट आई वांट टू डिस्कस इन लिटिल ब्रीफ जब हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो नंबर वन चीज कि हम बिल्कुल उस माहौल में दे जैसे हम एग्जाम हॉल में बैठ के दे रहे हैं ऐसा नहीं कि बिल्कुल कैजुअली पलंग पे बैठे हुए हैं और आराम से बैठ के दे जा रहे हैं और कभी बीच में फिर टाइमर स्टॉप कर दिया फिर ब्रेक पे चले गए और फिर वापस से पेपर स्टार्ट कर दिया रिज्यूम कर लिया इस तरह से नहीं करना है हमें बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे करना है जैसे हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं सिट विद ऑन व टेबल और चेयर यू हैव एट होम एंड तीन घंटे आप कंटिन्यूसली बैठे हो बिल्कुल जैसे एग्जाम हॉल में बैठे हो क्योंकि एक तो सबसे पहले तीन घंटे बैठना ही अपने आप में एक दम से नहीं आता है उसको एक हैबिट की तरह डेवलप करना पड़ता है तो आई एम कि आप अपना मॉक टेस्ट ऐसे के साथ बैठ के दे रहे हैं

आ, मेरे हिसाब से तो अगर आप यहाँ पे रिवीजन क्लास कर रहे हैं हमने पूरा साल कुछ कुछ पढ़ा है यहाँ पे रिवीजन क्लास कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आई थिंक यू आर डूइंग गुड इनफ ओके ये जो क्लासेस होती है इसको भी ऐसे नहीं अटेंड करना कैजुअली बेड पर बैठ के बिल्कुल सिंसियरिटी से अटेंड करना है पेन पेपर से क्वेश्चन सोल्व कर लें अपने आप से इसके नोट्स जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देते हैं यू कैन रेफर द नोट्स फ्रॉम दी डी एफ सारा उधर अवेलेबल हो जाता है ठीक है इसके अलावा आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो यू में मी Okay, I'll just open this checkbox up. Huh? Just give me a minute. Hmm. अहेड ओके हाँ तो आज का टॉपिक है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन यूजुअली जब हम इसको क्लास में पढ़ते हैं तो ये दो चैप्टर की तरह ट्रीट होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल अलग और रोटेशन मोशन अलग हमने इसको कंबाइन इसलिए किया है क्योंकि हमने इसको कंबाइन इसलिए किया है क्योंकि हम एक इफेक्टिव वे में करना चाहते हैं सिलेबस कंप्लीट नंबर वन और हम इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन किए की जो नीट के लिए रेलिवेंट है ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा है

तो इसमें ज्यादा फोकस उन टॉपिक्स पर है ओके सो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन लेट अस बिगिन ओके सो हमारा हाँ, सबसे पहला तो टॉपिक है सेंटर सेंटर ऑफ ऑफ मास मास क्या होता है अब तक देखो हम क्या पढ़ रहे थे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे एफबीडी वगैरह बना रहे थे और उसमें फोर्सेस वगैरह लिख रहे थे फिर उसकी इक्वेशन लिख रहे थे ये जो सब चीजें कर रहे थे हम ये पॉइंट मास के लिए कर रहे थे हम एक्सटेंडेड बॉडीज को अभी तक ट्रीट नहीं कर रहे थे ठीक है हम और अगर एक्सटेंडेड बॉडीज भी थी तो हम उसको पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर रहे थे तो हमें क्या? अभी देखो सेंटर ऑफ मास क्या है बेसिकली सेंटर ऑफ मास बॉडी में वो पॉइंट है जहां पे अगर पूरे के पूरे जहां पे हम पूरे के पूरे मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं ठीक है ना ये एक पॉइंट मास बॉडी है ठीक है

इसकी पोजिशन क्या है वो मैं नेक्स्ट लाइन बताऊंगी ठीक है जहां पे बोरी की पूरी बॉडी का मास कंसर माना जा सकता है और अगर वहां पे और अगर कोई भी बॉडी पे फोर्स लग रहे हैं तो अगर हम उस पॉइंट पे वो फोर्स लगा रहे हैं तो बिल्कुल वैसा ही बिहेव करता है जैसे पॉइंट पॉइंट मास मास को बिहेव करता है ये हमारी डेफिनेशन होती है सेंटर ऑफ मास की अच्छा बॉडी में सेंटर ऑफ मास मानते कहाँ है मानते नहीं निकालते कैसे है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं ठीक है सपोज हमारे पास कुछ नए बच्चे जुड़ गए मैं उनको वापस एक बार मेंशन करना चाहती हूँ कि ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा है और इसमें से हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं है, है? पे, पे है, है, हम वो कवर करने वाले है, ठीक है नाउ सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे बेसिकली निकाल ले और कुछ या फिर मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालते तो बेसिकली पूरा का पूरा पूरा का पूरा मास स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है ठीक है तो हमारे पास सिनेरियो कुछ कैसा है कुछ ऐसा है लेट M1 मास है जो कि की एक्स वाई थ्री जेड थ्री पर ऐसे बहुत सारे मास हो सकते हैं ठीक है थीके? तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है सेंटर ऑफ मास का एम वन एक्स वन मतलब फर्स्ट मास और उसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस फर्स्ट मास उसका एक्स कोऑर्डिनेट सॉरी सेकेंड मास उसका एक्स थर्ड मास उसका एक्स so, सो करके M1 plus M2 plus M3, और MN, जितने भी हमारे पास मासेज है जरा हम ध्यान से देखें तो देखो ये क्या एम वन प्लस ये नीचे क्या है एम वन प्लस का सम है तो इसको बेसिकली हमने कैपिटल एम से डिनोट कर दिया है

m m1 m2 till till by by sigma total mass Similarly Z coordinate के लिए ले सकते हैं ये I think सबको पता होते हैं ठीक है और ऐसा कुछ बहुत सा है नहीं तो basically जो center of mass के जो coordinate निकलेंगे वो निकलेंगे x सी एम कॉमा वाई सी एम कॉमा जेड सी एम ठीक है और ये किसके रेस्पेक्ट में निकलेंगे विस रेस्पेक्ट टू दी रेस्पेक्ट में रेस्पेक्ट में चलो, हम आगे बढ़ जाते हैं देखो, हमारे पास है ना एक चीज आई हमारे पास सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट आया वो अपने भी लिख सकते हैं टोटल मास को हम कैसे लिख सकते हैं

इसको चलो अभी इतने रहने देते हैं ये हमने इसको समझ लिया कि एक्चुअली है क्या हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि क्वेश्चन में कैसे इसको पुट करना है तो बेसिकली हमारे पास एक चीज है इंटीग्रल एक्स डी एम डिवाइड बाई एम तो ये कोई भी क्या है ये जनरल मास एलिमेंट ठीक है जनरल मास एलिमेंट है और ये क्या है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट वेरी मास एलिमेंट ठीक है डीएम क्या है पूरे मा, कंटीन्यूअस सिस्टम में कोई भी जनरल मास एलिमेंट ले लेंगे और हम x क्या है उस मास एलिमेंट का x कोऑर्डिनेट है ठीक है सिमिलरली जैसे अपन x dm डिवाइड बाय इंटीग्रल dm y dm डिवाइड बाय इंटीग्रल dm z dm डिवाइड बाय इंटीग्रल dm ये हमने सारी चीज लिखी है इससे हम अब नेक्स्ट बढ़ जाते हैं ये हमारा फेमस है सबको पता होता है नहीं पता है तो ये बस याद कर लो ठीक है नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं। mm. हाँ हमारे पास एक चीज आई थी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था एक सेकेंड थोड़ा सा और इसको पीछे स्लाइड पे जाके समझ लेते आ, एक हाँ। देखो हमारे पास क्या चीज थी अगर हम ध्यान से देखे तो एक्स जो था मेरे पास m one x m one x one plus m two x two till m n x n divide by m one plus m ठीक है तो अगर मैं इसको I कैप की फॉर्म में लिखूं तो ये I कैप है बेसिकली इसका ठीक है सिमिलरली वैसे मैं Y cm ले सकती हूँ J कैप की फॉर्म में सिमिलरली मैं Z cm ले सकती हूँ K कैप की फॉर्म में तो मैं आर वैक्टर जो लिख सकती हूँ वो लिख सकती हूँ पोजिशन वैक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास हूँ एम वन आर वन वैक्टर प्लस एम टू आर टू वैक्टर टिल एम एन आर एन वैक्टर डिवाइड बाय वन प्लस एम टू टिल मतलब है हमारे पास बेसिकली आर सी एम वैक्टर क्या है एक्स सी एम आई कैप प्लस वाई सी एम जे कैप प्लस जेड सी एम के कैप ठीक है, सिमिलरली मेरे लिए आर वन वैक्टर क्या है एक्स वन आई कैप प्लस एक्स टू सॉरी वाई वन वाई वन जे कैप जेड वन के आर वन वैक्टर है Similarly, ऐसे R2 वेक्टर होता है और आर एन वैक्टर होते हैं ठीक है थीके? तो बेसिकली कुछ नहीं किया मैंने उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया अब इसमें सारे आई जे के सब एक साथ है जब मैंने इक्वेशन लिखी थी ये उसका वेक्टर फॉर्म है ठीक है हमने एक्स वाई आई जे के अलग अलग डील कर रहे थे अभी सबको एक साथ सब वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है ओके okay? तो हमारे पास जब ये चीज आती है हमारे पास जब ये चीज आती है, कि वेक्टर जो होता है वो एम वन एक्स वन सॉरी आर वन वैक्टर प्लस एम टू आर टू वैक्टर टिल एम एन आर एन वैक्टर डिवाइडेड बाय वन प्लस एम टू टिल एम एन ठीक है अब हमने क्या किया इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम बहुत साइड तो हमारे पास क्या डी आर सी एम वैक्टर डिवाइडीट है डी बाई डी टी ऑफ आर वन वैक्टर प्लस एम टू डी बाई डी टी ऑफ आर टू वैक्टर ऐसे डॉट 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 जितने भी हैं डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू ऐसे जितना भी कुछ है

वो यही लिख रखा है ठीक है वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m फिर mn vn वेक्टर डिवाइड बाय m1 प्लस m2 mn इसको अपन ने क्या लिखा अच्छा बेसिकली देखो इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो vcn क्या है ये क्या है p1 वेक्टर है दूसरा क्या है p2 वेक्टर है तीसरा क्या है p3 वेक्टर है p मैंने बढ़ाया था आ, क्या है मोमेंटम होता है डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू टिल एम एन जो कि बेसिकली टोटल मास होता है तो बेसिकली ये पी वन प्लस पी टू टिल पी एन क्या है बेसिकली ये हमारे पास मोमेंटम ऑफ इंटायर सिस्टम है ठीक है डिवाइड बाय टोटल मास तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई वी सी एम इज इक्वल टू पी सिस्टम बेसिकली मोमेंटम

सेंटर ऑफ से कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं यही मेजर टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है नाउ देखो बेसिकली मेरे पास सेंटर ऑफ मास होता क्या है एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू टिल एम डिवाइड बाय टोटल मास ठीक है ये चीज होती है मेरे पास अगर मैं अगर कोई ज्यादा अगर कोई ज्यादा हैवी मास है सपोज एम ज्यादा बड़ा है ठीक है तो सेंटर ऑफ मास किसके पास शिफ्ट हो जाएगा एम वन के पास शिफ्ट हो जाएगा ठीक है ये हमें पता है कि जो मास ज्यादा हेवियर होता है हम इसको रिवाइज हैं ठीक है जो मास ज्यादा होता है वो हमारे लिए उधर की तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता है जैसे अर्थ और सन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है अगर हमें बताना हो तो क्योंकि अर्थ ना सॉरी सन इतना ज्यादा बड़ा है इतना ज्यादा बड़ा है कि अर्थ और सन का जो सेंटर ऑफ मास होता वो है वो ऑलमोस्ट सन के अंदर ही लाई कर जाता है ठीक है

और इन साइड बॉडी इट कैन वेरी ठीक है सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं अगर हम रिंग का एग्जाम्पल लेते हैं ये रिंग है ठीक है थोड़ा सा अगर जितना लोगों को जिन्होंने पढ़ रखा होगा उनको भी पता होगा कि सेंटर ऑफ मास रिंग का बिल्कुल उसके सेंटर जोमेट्रिकल सेंटर पे लाई करता है और जबकि मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके पेरिफेरी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके पेरिफेरी पे सेंटर ऑफ मास कहीं लोकेटेड ही नहीं है सेंटर ऑफ मास कहा लोकेटेड है उसके सेंटर पे

डिड करेगा ठीक है तो, तो यह हमें चीजें कुछ कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी है नेक्स्ट है हमारा देंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स लाइज इन बिटवीन दम ऑन लाइन ज्वाइनिंग दार्टिकल्स नाउ अगर दो पार्टिकल है ठीक है एम वन है लेट से ये कुछ एम टू है. तो है ना कहीं इस एक्सिस पे लाए करेगा एक्सिस कौन सी एक्सिस वो उस लाइन पे लाइ करेगा तो मास कैसे तो एक पॉइंट होगा जिसके बाद ऑब्वियसली जो एम वन है वो ज्यादा बड़ा हो सकता है एम तो ज्यादा छोटा हो सकता है कुछ भी तो हो जाएगा बट लाई किस एक्सिस पे करेगा जो उनको दो

मास इज एज शोन सपोज मेरे पास एक मास है एम वन इसको ऐसे लिख लेते हैं सपोज ये मास है एम वन सपोज ये मास है एम टू एम वन के जो कोऑर्डिनेट है वो जीरो को जीरो है और एम टू के जो कोऑर्डिनेट है वो d कॉमा जीरो ठीक तो है तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट कितने होंगे एम वन एक्स वन एक्स वन कितना है जीरो है तो एम वन एक्स वन

ना हमें पता है कि एक्स क्या होता है और आर सी एम हैं। आर सी एम क्या होता है एम वन एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू बेसिकली आर सी एम होता है क्या सिग्मा एम आई आर आई आई इज़ इक्व टू वन से लेके एन तक डिवाइड बाय सिग्मा एम आई इज इक्व टू वन से लेके

कि मैं सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन मान लू ठीक है भाई कॉर्डिनेट एक्सिस तो मैं मेरे हिसाब से चूज करती ना तो मैं सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान सकती हूँ कि सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे लोकेटेड है तो मेरे पास क्या हो जाएगा अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे लोकेटेड है देखो क्या दे रखा केस सेंटर ऑफ मास अगर ओरिजिन पे लोकेटेड है तो बेसिकली आर सी एम वैक्टर कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो बेसिकली मेरे पास कितना हो जाएगा दिस टर्म विल गो टू जीरो तो सिग्मा एम आई आर आई विल गो टू जीरो ओके

किस डिपेंड नहीं करता है मासेज ऑफ पार्टिकल मासेज ऑफ पार्टिकल पे तो करता है, M1, X1, M2, है. Particle, के बारे हमने कुछ नहीं पढ़ा पोजिशन पार्टिकल रिलेटिव डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है. इन सब तीनों क्वांटिटीज पे सेंटर ऑफ मास करता है किस पे डिपेंड नहीं करता है टू पे डिपेंड नहीं करता है यानी कि इंटरनल तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन टू ओके वेरी गुड अगस्त हाँ ऐसे देखो जो बच्चे पे बैठे हैं ना अगर आप पार्टिसिपेट करते रहोगे लिखते रहोगे क्वेश्चन का आंसर तो यू ऑल्सो फील गुड कि हाँ हम इसको समझ आ रहा है ठीक है वॉट एवर यू आंसर वो आंसर यू गेट सही गलत जो कुछ भी आ रहा है उसको यहाँ पे मैसेज करते जाओ ओके अच्छा ये मैं अब मैं बताती ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का केस है ठीक है थीके? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का केस है इसमें ये ओरिजिन है और इक्विलेटर ट्राइंगल की साइड है वो है ए तो मुझे बताना है ठीक तो है वो इसके पे रखे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये तो ओरिजिन पे रखा तो ये तो जीरो जीरो होगा ठीक है, है अगर इसकी तो साइड ए है ये लेंथ ए है अगर तुम्हारे पास ये ये किससे कोऑर्डिनेट कितना जाएगा ए कॉमन जीरो हो जाएंगे ठीक है अच्छा इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालने वो चेंज चैलेंज चैलेंज भी नहीं है मतलब नया तरीका है जो सीखना है तो बेसिकली ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये इसका वाई कोऑर्डिनेट है अच्छा मुझे पता है ये लेंथ होगी ठीक है और क्या ये वाली लेंथ ए साइन सिक्सटी हो जाएगी ए कॉ सिक्स कितना हुँँगा? ए बाई टू होता है और ये कितना तो बेसिकली इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो कितने जाएंगे a by 2 कमा a root 3 by 2 तो बेसिकली मेरे पास तीनों पॉइंट मासेस के कोऑर्डिनेट निकल आए इसके तो 0 0 है इसका a कमा 0 है और इसका कितना है a by 2 कमा a root 3 by 2 ओके okay? नाउ हमारे पास सारी चीज़ निकल गई है एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू वही वैल्यूज पुट करनी है तो सेंट्रो सेंटर सेट कितने सेंटर एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री अच्छा एम वन की वैल्यू कितनी है एम एम ही है उसका एक्स कॉर्डिनेट कितना है जीरो है एम टू के लिए एक्स कॉर्डिनेट ए है और एम थ्री के लिए एक्स कॉर्डिनेट ए बाई टू है डिड बाई टोटल मास थ्री एम एम प्लस एम प्लस एम तो मेरे पास एक्सीएम कितना थ्री ए by एम ए प्लस एम ए बाई टू थ्री एम ए बाई टू और डिवाइड और थ्री एम थ्री एम से थ्री एम कैंसिल हो गया तो ये देखो ये अपने पास आएगा सेंटर ऑफ मास बाई टू अगर सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट निकालना है मुझे वाई कोऑर्डिनेट निकालना है वाई कॉर्नडेट कैसे निकालूंगी एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू प्लस एम थ्री वाई थ्री डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री ये होगा तो अपने पास क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे रूट थ्री एम बाई टू डि थ्री एम पर ए भी आएगा ठीक है तो ये एम से एम कैंसिल हो गया रूट थ्री निकल गया तो ये जो है ए डिवाइड बाई टू रूट 3 a डिवाइड by 2 root 3 ठीक है ये बस x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ही y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा जरा इसको समझ लेते हैं मुझे निकालना था सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट अगर मैं ये एक्सिस देखूं देखो बेसिकली अगर मैं ये एक्सिस देखूं सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है x कोऑर्डिनेट क्या है a 2 बेसिकली क्या ये मेरी लाइन है x a 2 क्या, मेरी a क्या है ये लाइन x a 2 क्या ये सिस्टम को सिमेट्रिकली डिवाइड करती है करती है

सॉरी hmm. तो एम कितना हो जाएगा एक्सएम हो जाएगा एम वन एक्स वन प्लस यानी कि इसका आंसर हो जाएगा अपने पास ए बाय थ्री सिमिलरली वाई सी एम क्या होता है वाई सी एम क्या होता है एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू प्लस एम थ्री वाई थ्री

चलो हम नेक्स्ट मूव कर जाते एक इसको बाद में करेंगे थोड़ा सा इसको करते अभी एक क्वेश्चन हमारे पास थ्री पार्टिकल्स ऑफ मासेज टू ग्राम थ्री ग्रामिजन इज टेकन एज ओरिजिन ऑफ सिस्टम अब वो क्या बोल रहा है तीन मासेज है थ्री ग्राम और इन तीनों मासेज का जो कंबाइंड सेंटर ऑफ गेटिंग दिस तीनों मासेस का जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन है तो बेसिकली क्या ये तीनों के तीनों मास मैं ओरिजिन पे लोकेटेड मान सकती हूँ ना जहाँ पे पूरे के पूरे बॉडी का मास लोकेटेड मान जा सकता है तो ये तीन है एंड ग्राम के इनका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है तो क्या ये वन प्लस टू प्लस थ्री जो सिक्स ग्राम है क्या मैं वो ओरिजिन पे लोकेटेड मान सकती हूँ हाँ मैं मान सकती हूँ बेसिकली तो मेरे पास ये जीरो जीरो पर एक सिक्स ग्राम का मास है ठीक है इसके बाद देखो तो ऑफ़ ऑफ़ दी फोर्थ पार्टिकल फोर ग्राम, ठीक है एक फोर ग्राम का पार्टिकल है जो कि वन कॉमा टू कॉमा थ्री पर लाई करता है ठीक है वन कॉमा थ्री कॉमा वन कॉमा टू कॉमा थ्री का क्या मतलब है वन आई कैप प्लस वन टू जे कै प्लस थ्री के कै ठीक है ये इसके मैंने कुछ नहीं किया बेसिकली इसको इसको मैंने कुछ नहीं किया इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है ठीक है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो आई प्लस टू जे प्लस थ्री के तो फोर ग्राम का जो पार्टिकल है वो आई प्लस टू जे प्लस थ्री के बिलाई करता है और इस सिक्स ग्राम और फोर ग्राम का जो सेंटर ऑफ मास है लेट्स से कहीं सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है और वो जो है अपने पास आई प्लस टू जे प्लस थ्री के ठीक है इन टू एल्फा, तो एल्फा, तो एल्फा की क्या वैल्यू होने वाली है तो बेसिकली ये दो मास हैं फोर ग्राम एंड सिक्स ग्राम और उनका सेंटर ऑफ मास अपने गिवन है तो मुझे पता है आर सी एम वैक्टर जो होता है वो एम वन आर वन वैक्टर प्लस एम टू आर टू वैक्टर डिवाइड बाय वन प्लस एम टू ठीक है तो आर सी एम क्या है अल्फा आई प्लस टू जे प्लस थ्री के इज इक्व टू एम वन वट इज एम वन सिक्स ग्राम इनटू टू जीरो क्योंकि नल वेक्टर है ना ओरिजिन के तो वेक्टर नल वेक्टर ही होगा प्लस एम टू आई प्लस टू जे प्लस थ्री के ये एम टू का पोजिशन वेक्टर है डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू यानी कि टेन ओके तो मेरे पास क्या आ जाएगा फोर ग्राम को ग्राम हटा देते हैं उसमें से सिर्फ फोर ही लिख देते हैं ओके तो दिस वुड बी फोर ओनली तो एल्फा आई प्लस टू जे प्लस थ्री के इज इक्व टू टू बाई फाइव आई प्लस टू जे प्लस थ्री के ये तो जीरो हो गया और ये टू बाई फाइव हो जाएगा ओके okay? तो so मेरे पास यहाँ से देख के समझ आ रहा है कि जो एल्फा की जो वैल्यू है ना वो कितनी है टू बाई फाइव है एल्फा कितना निकल के आ गया टू बाय फाइव निकल के आ गया तो so आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी क्या सब लोग कर पा रहे हैं बैठ के देख रहे हैं कर रहे हो आप लोग आर यू गाइस डूइंग इट एक बार वापस इसको समझ लो ध्यान से क्या बोल रहा है वो और कुछ भी डाउट है तो प्लीज आस्क है कोई भी क्वेश्चन है तो आस् है. है तो भी बता दो मैम कोई क्वेश्चन नहीं है ओके okay, तो मैं आगे बढ़ूंगी वरना मुझे लगा कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करा दी आपको रिटेन ही नहीं हो रहा है एक बार जस्ट सी द क्वेश्चन वंस अगेन क्लियर है आगे बढ़े तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था

ओके फ्लोटिंग इन दी वॉटर पर्सन मूव फ्रॉम वन एंड टू दर एंड एंड स्टॉप्स स्टॉप्लेसमेंट ऑफ द्लैंक तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है वो बताना है ठीक है तो बेसिकली प्लैंक है मेरे पास ठीक है जिसका एक बहुत इजी सा तरीका होता है इसको हमने कई तरीके से किया हुआ है ठीक है बट चलो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये मेरे पास प्लैंक है ठीक है मेरे पास प्लैंक है और ये एक इंसान खड़ा है यहाँ पे ठीक है और इसका मास स्मॉल एम है और इसका मास प्लैंक का मास कैपिटल एल है ये जो लेंथ है वो कैपिटल एल है ठीक है ओके okay? अब ये आगे की तरफ जाता है ठीक है अब तो ध्यान से देखो कि इन इस प्लैंक और मैन के बीच में जो भी फोर्स लग रहा होगा वो तो एक इंटरनल फोर्स लग रहा होगा ठीक है और एक्सटर्नल फोर्स जीरो है ठीक है मतलब एक्सीलरेशन कितना है जीरो है मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कितना है जीरो है सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन अपने पास जीरो आ गया सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी जीरो आ गई तो VCM UCM ACM t लिखें। तो मैं बस ये टर्म जीरो तो ये टर्म तो ये टर्म भी जीरो जाएगी तो सेंटर ऑफ़ मास की जो वेलोसिटी है वो जीरो आ जाएगी तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली मूव ही नहीं कर रहा है ठीक है तो मतलब क्या है सेंटर ऑफ मास इज नॉट मूविंग सेंटर ऑफ मास इज नॉट मूविंग अच्छा जब वो मूव नहीं कर रहा है तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं बेसिकली फाइनल सेंटर ऑफ मास मास जाएगी लेट से मुझे पता है कि xcm जो होता है वो कितना होता है एम वन एक्स वन प्लस क्या मैं ये लिख सकती हूँ डेल्टा एक्स सी एम इज इक्वल टू एम वन डेल्टा एक्स वन प्लस एम टू डेल्टा एक्स टू डिवाइड बाय वन प्लस एम टू क्या मैं लिख सकती हूँ हाँ मैं लिख सकती हूँ ठीक है अच्छा डेल्टा एक्स एक्सीएम तो जीरो है क्यों क्योंकि सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं कर रहा है तो दिस टर्म वुड बी जीरो सपने तो के लिए एम वन डेल्टा एक्स वन प्लस एम टू डेल्टा एक्स टू दिस टर्म कम्स आउट टू तो बी जीरो ये जो टर्म है मेरे पास वो जीरो निकल के आ जाती है ठीक है ओके तो देखो लेट्स से कि प्लैंक जो है वो लेट्स से कुछ डी डिस्टेंस मूव किया है ठीक है प्लैंक ने कितना मूव किया डी डिस्टेंस मूव किया तो मैन ने कितना किया होगा मैन ने कितना होगा डी प्लस एल किया होगा करा के लिए नहीं भाई प्लैंक अगर का चेंज इन पोजिशन अगर डी है तो मैन का कितना होगा डी प्लस एल होगा क्योंकि मैन डी तो चला ही होगा बट इस प्लैंक के ऊपर एल भी आगे चला होगा ठीक है नाउ अंडरस्टैंड मैं बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देती हूँ इसको इसको एम इस, वन लिख देती हूँ इसको एम टू लिख देती हूँ तो बस जीरो इज इक्वल टू स्मॉल एम डी प्लस एल प्लस एम टू इंटू डी तो बेसिकली मुझे निकालना है क्या डी निकालना है तो अगर मैं देखूँ तो ज़ीरो इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू एल प्लस एम प्लस एम डी ठीक है तो डी की वैल्यू कितनी जाएगी माइनस एम एल डिवाइड बाय एम प्लस एम

जी तो डिवाइड बाय डिवाइड इनटू फोर तो यानी कि जी तो जी बाय टू तो बेसिकली जी बाय टू से नीचे जा रहा है और ये जी बाय टू से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये प्लस जी बाय टू हो जाएगा और ये माइनस जी बाय टू क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है ना इसलिए तो सेंटर ऑफ मास का एक्सिलेशन कितना हो जाएगा एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू अच्छा एम वन क्या है इसको थ्री एम को थ्री एम जी बाय टू प्लस एम इन टू माइनस जी बाय टू डि एम वन प्लस एम टू सो दिस इज थ्री एम जी बाय टू माइनस एम जी बाय टू ठीक है तो विच इज एम जी डिवाइड बाय फोर एम ओके एम जी थ्री एम जी बाय टू माइनस एम जी

अच्छा मुझे पता है कि एक जो तो है वो वन के जी का ऐसे जा रहा है और एक जो है हमारे पास टू के जी का ऐसे जा रहा है ठीक है इसकी वेलोसिटी है ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड इसकी जो वेलोसिटी है वो मेरे पास है एट मीटर पर सेकेंड ठीक है और बाकी का बचा एक कोई एम थ्री मास है उसकी कुछ वेलोसिटी है फोर मीटर पर सेकेंड ठीक है एम थ्री मास है वो फोर मीटर पर सेकेंड है

प्लस पी थ्री वैक्टर डिवाइड बाय टोटल मास ये होती है करेक्ट एंड दिस इज जीरो सो हमारे लिए मतलब अच्छा क्या मैं बोल सकती हूँ पी वन वैक्टर प्लस पी टू वैक्टर इज इक्व टू माइनस ऑफ पी थ्री वैक्टर जरा इसका मॉड ले लो दोनों साइड मैग्नीट्यूड निकाल लो तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा इसका पी वन की वैल्यू कितनी है पी वन की जो वैल्यू है वो ट्वेल्व आई कैप हो जाएगी और अगर पी टू की वैल्यू निकालू तो वो सिक्सटीन जे कैप हो जाएगी टू इंटू एट सिक्सटीन जे कैप तो दिस इज ट्वेल्व आई प्लस सिक्सटीन जे का मॉड इज इक्वस टू पी थ्री ठीक है पी थ्री क्या है एम थ्री इंटू फोर एम थ्री वी थ्री होगा ना तो एम थ्री इंटू फोर मीटर पर सेकेंड सो इसका मॉड निकाल लेते हैं ये कितना हो जाएगा मेरे पास ट्वेल्व स्क्वायर प्लस सिक्सटीन स्क्वायर इज इक्व टू सॉरी एम थ्री आएगा फोर एम थ्री ठीक है अच्छा इसमें से अब क्या करते हैं अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे पास ये हो जाएगा वन फोर्टी फोर कितना हो जाएगा ये फोर uh, uh, इसको अगर फोर तो निकाले तो फोर और थ्री हो जाएगा फाइव हो जाएगा तो ये ट्वेंटी हो जाएगा सो दिस इज ट्वेंटी का स्क्वायर सो दिस इज इक्वल टू फोर ऑफ एम थ्री तो एम थ्री की जो वैल्यू हो जाएगी वो फाइव के जी हो जाएगी ओके सो दिस कम्स आउट टू बी सेवन के जी कैसे आ रहा है बेटा एक बार जरा ध्यान से देखो सेवन के जी कैसे आ रहा है तो स्क्वायर स्क्वायर प्लस कैसे कितना होता है ट्वेल्व स्क्वायर प्लस सिक्सटीन स्क्वायर होता है अपने पास वॉट ट्वेंटी होता है हाँ एक बार चेक करो वापस से ट्वेल्व स्क्वायर प्लस सिक्सटीन स्क्वायर जो होता है वो अपने पास ट्वेंटी होता है ओके okay? हाँ वेरी गुड फाइव के जी आंसर आएगा ओके आई होप इट इज क्लियर लेट्स मूव अहेड आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास

टू प्लस एक्स इंटू डी एक्स ओके तो कंटिन्यूस मास सिस्टम के लिए मैंने सेंटर ऑफ मास इंटीग्रल एक्स डीएम डिवाइड बाई इंटीग्रल डीएम यही बताया था इंटीग्रल तो एक्स की वैल्यू डीएम की वैल्यू कितनी है टू प्लस एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाय टू प्लस एक्स इंटू डी एक्स इसकी लिमिट पुट करनी है जीरो से लेके थ्री तक जीरो से लेके थ्री तक तो अपने पास क्या हो जाएगा ये एक्सएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बी एक्स जीरो से लेके थ्री तक डिवाइड बाय टू प्लस एक्स डी एक्स जीरो से लेके थ्री तक अब दोनों को सेपरेटली अलग अलग से इंटीग्रेट कर लेना है तो अगर हम इसको यहाँ पे देखते हैं तो टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टू एक्स स्क्वायर बाय टू तो आपने तो पता हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर बाई टू और एक्स स्क्वायर कितना एक्स क्यूब बाय थ्री जीरो से लेके थ्री डिवाइड बाय टू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा और एक्स का कितना हो जाएगा एक्स जाएगा जीरो से लेके थ्री तक अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं लिमिट पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो देखो इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है तो ये टू से टू कैंसिल आउट हो रहा है ना तो दिस आउट दिस कम्स आउट नाइन प्लस थ्री क्यूब डिवाइड बाय थ्री यानी कि थ्री स्क्वायर तो दिस कम्स आउट टू बी थ्री अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सो दिस इज एक्ससीएम क्या हो जाएगा नौ प्लस ट्वेल्व डिवाइडेड बाय सिक्स प्लस नाइन सो ट्वेल्व प्लस नाइन ट्वेल्व प्लस नाइन इज ट्वेंटी वन बाय टू ओके सो दिस इज तीन के टेबल से की टेबल से सेवन टाइम्स आएगा थ्री की टेबल से फोर टाइम्स आएगा तो ये हो जाएगा जो कि अपना आंसर मैच नहीं कर, रहा है। okay? नहीं कर रहा है। के हमने कुछ कर तो है। करते हैं आप लोग भी चेक करो ठीक है इट विच इज टू प्लस एक्स तो अगर हम देखें तो एम की जो वैल्यू जाएगी वो टू प्लस एक्स डीएक्स हो जाएगी क्योंकि एक्स उधर चल जाएगा ठीक है तो मैं देखो बस एक्स क्यों तो था एक्स डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रल तो एक्स डीएम की वैल्यू पुट कर दी मैंने ये टू प्लस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती पास क्या था टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस कम्स आउट टू बी टू एक्स लिमिट पुट करी जीरो से लेके थ्री तक एंड जीरो से लेके थ्री तक ओके okay? तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करती हूँ तो टू एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा और ये एक्स क्यूब बाय थ्री हो जाएगा ओके दिस कम्स आउट टू बी टू एक्स और ये जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू जीरो से लेके थ्री एंड जीरो से लेके थ्री तक मैंने वैल्यू पुट कर दी ये टू से ही ये टू कैंसिली तो थ्री तो की वैल्यू पुट करी तो अपने पास क्या जाएगा थ्री स्क्वायर कि नाइन एंड थ्री क्यूब बाई थ्री कि हाँ तो अपन ने ये गड़बड़ कर दी ना वैल्यू तो ये अपने पास यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे ये क्या है यहाँ पे थ्री क्यूब बाय थ्री लिखोगे ना तो थ्री क्यूब बाय थ्री हो जाएगा यानी कि थ्री स्क्वायर हो जाएगा यानी कि नाइन हो जाएगा तो बेसिकली अपन ने को यहाँ पे क्या लिखना था यहाँ पे अपने को नाइन लिखना था ओके okay? तो अपने अपने पास पास ये क्या आ जाएगा? अपने पास जो आ जाएगा जाएगा जो ऊपर सिक्स टाइम्स थ्री केवन सो आंसर वुड बी ट्वेल्व बाय से, से 7 so 12 7. So 12 7. देखो ऐसे छोटे शुट मिस्टेक हो जाती है आप भी थोड़ा ध्यान रखा करो ठीक है मतलब आराम हाँ, आराम से करोगे तो नहीं होगा ठीक है है ओके ओके आगे बढ़ जाते हैं Next, collision, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने आपको ठीक है क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ें देखो कुछ कुछ बेसिक चीजें तो होती है वो सबको पता होता है कि कोलिजन होता है बेसिकली टू बॉडीज होती है वो एक दूसरे से कोलाइड करती है, है ना और फिर वो अपने वापस से कोल्यूजन के बाद कुछ वेलोसिटी का एक्सचेंज होता है कुछ मोमेंटम का एक्सचेंज होता है और उसके बाद वो वापस से अपने अपने वेलोसिटी से मूव करने लेते हैं तो कोल्यूजन जब होता है दो बॉडीज के बीच में तो ये बॉडी इस पर जितना फोर्स लगाती है दूसरी बॉडी भी उस, उस पर उतना ही फोर्स लगाती है ये इस डायरेक्शन में लगाती है तो दूसरा ऑपोजिट डर्श में लगा रही होती है तो बेसिकली इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे होते हैं जो एक दूसरे को एज ए सिस्टम में कैंसिल आउट कर देते हैं जब एक दूसरे को सिस्टम में कैंसिल आउट कर देते हैं तो नेट फोर्स जीरो हो जाता है और मोमेंटम कंजर्व हो जाता है तो कोलिजन में सबसे पहले तो एक कंडीशन होती है कि मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, होता है. F external zero है ना इसलिए जो मोमेंटम है? है. Okay? तो बेसिकली पहला तो है, है तो बेसिकली क्या क्या है, एक M1 है जो यू वन स्पीड से जा रही है एम टू बॉडी है जो यू टू स्पीड से जा रही है ठीक है इनका कोलिजन होता है यू वन यू टू की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है मैंने अभी ली नहीं है तो जब हम इस अगर हम जब इसको पुट करते एम तो वन

V1, V2 अगर स्पीड है अपने पास अगर हमारे पास वी वन वी टू स्पीड है तो ये क्या होता है वी टू माइनस वी वन डिवाइड बाई यू वन माइनस यू टू तो बेसिकली इसको बोलते हैं अपन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ठीक है तो फॉर्मूला हो गया तीसरा जो होता है लॉस इन कांटिक एनर्जी काइंटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है कोलिजन के दौरान ठीक है तो अपने पास जो लॉस इन जो काइंटिक एनर्जी आता है वो आता है Reduced mass. इसको अपन बोलते हैं इसको अपन रिड्यूस्ड मास और ये इनिशियल रिलेटिव यू वन माइनस यू टू इंटू वन माइनस ई स्क्वायर वेयर ई रिलेटिव वेलोसिटी तो अपने पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो फॉर्मूला याद रख लो हाफ इंटू रिड्यूस्ड मास इंटू रिलेटिव वेलोसिटी इंटू वन माइनस ई का वन माइनस ई स्क्वायर ओके ये मेरे पास लॉस इन काइंटिक एनर्जी होता है अब जरा ध्यान से देखो अगर इलास्टिक कोलिजन है अगर इलास्टिक कोलिजन है तो ई की वैल्यू कितनी हो गई ई की वैल्यू कितनी है ई की वैल्यू वन है ठीक है तो डेल्टा के कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो एक इलास्टिक कोलिजन ही ऐसा होता है यानी कि E इज इक्वल टू वन वाला ही एक ऐसा केस होता है जिसमें डेल्टा केस जीरो लॉस नहीं हुआ होता यानी कि एनर्जी कंजर्व रहती है अदरवाइज कोई भी ई की वैल्यू होगी जीरो हाफ होगी, 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 होगी कुछ भी ऐसा होगा तो उस केस में मेरे पास एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहेगी ओके okay? उस केस में एनर्जी मेरे पास कंजर्व नहीं रहेगी ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये सारे के सारे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनको याद करना क्योंकि हम एग्जाम में बिल्कुल फॉर्मूले से ही काम करने वाले हैं चौथी चीज नहीं पूछता है ठीक है इस है, तीन कंसेप्ट इस, से आपके सारे कोल्यूजन वाले क्वेश्चन तो एक कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर गिवन है और एक लॉस इन चीजें हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा है ना आगे बढ़ जाते हैं हम एक

एम वन वी वन एम टू इक्वेशन थी और एक मेरे पास यल इक्वेशन आई है ई इज इक्वल टू वन पुट करने पे तो इन दोनों को जब सॉल्व करते हैं ना इलास्टिक कोलिजन वाले केस में तो V1 की वैल्यू ये आती है और V2 की वैल्यू ये आती है अब ये इंपॉर्टेंट है तो अपने पास अपने पास V1 क्या है M1 M2 M1 टू एम वन माइनस एम टू डिवाइड बाई एम और v2 की वैल्यू कितनी है ऊपर m1 वन माइनस एम है तो यहाँ पे m2 टू माइनस एम आ जाएगा ठीक है m2 टू माइनस एम वन यू टू प्लस ट्वाइस ऑफ एम वन डिवाइड बाई एम प्लस एम तो बेसिकली कुछ नहीं किया है एक याद रख लो दूसरा याद हो जाएगा बेसिकली v1 के साथ u1 आएगा और ये u2 आएगा ये v2 के साथ u2 आएगा और यहाँ पे u1 आएगा ठीक है तो अपने पास क्या रखना है v1 जो है m1 वन माइनस डिवाइड बाई एम वन प्लस प्लस टwice ऑफ़ m2 u2 डिवाइड्ड बाय m1 प्लस m2 v2 जो हो जाएगा m1 माइनस m m2 माइनस m1 डिवाइड्ड बाय m1 प्लस m2 इनटू u2 प्लस m1 u1 डिवाइड्ड बाय m1 प्लस m ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना इससे हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बहुत सारे ठीक है अच्छा और मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि अगर हमारे पास ये चेंज इन कांटिक एनर्जी होता है तो अगर ई की वैल्यू वन पुट करते है इलास्टिक कोलिजन केस में तो डेल्टा के जीरो आता है डेल्टा के जीरो आता है मतलब मेरे पास एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता तो एनर्जी इज कंजर्व ओनली इलास्टिक कोलिजन क्निटिक एनर्जी इज कंजर्व सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में ही एनर्जी कंजर्व है हमारे पास ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं अब हमें इलास्टिक कोलिजन के कुछ केस पढ़ रहे हैं ठीक है थेके? हम इलास्टिक कोलिजन के कुछ केस पढ़ रहे हैं। ये कैपिटल और एक स्मॉल एम है यू वन यूटो से मूव कर रहा है और बाद में हमारे पास ये कंडीशन है कि जो कैपिटल एम है ना वो बहुत बड़ा है ठीक है कैपिटल एम जो है मेरे पास बहुत बड़ा है इस वाले केस में

सॉरी एम वन बोला है मतलब बड़े वाले को एम वन बोला है तो बेसिकली एम टू को नेग्लेक्ट कर देते हैं ठीक है बड़े वाले को एम वन बोला है तो कैपिटल एम इज ग्रेटर ग्रेटर देन देन स्मॉल यानी कि इज ग्रेटर ग्रेटर तो बेसिकली एम टू को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं जब एम टू को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा एम वन डिवाइड बाई एम वन इन यू वन प्लस जीरो दिस इज यू वन ठीक है तो पहले वाले की वेलोसिटी तो कितनी आ जाएगी यू वन आ जाएगी तो बेसिकली ये पहले यू वन से मूव करा था ये बाद में भी यू वन से मूव करता रहेगा और अगर ध्यान से देखें इस वाले यू वी टू की वेलोसिटी देखें तो अपने पास क्या जाएगा एम टू को जीरो पुट करो जरा तो ये माइनस एम वन डिवाइड बाई एम वन इंटू यू टू कैपिटल एम डिवाइड कैपिटल एम इंटू सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस यू टू प्लस ट्वाइस ऑफ यू वन माइनस यू टू प्लस ट्वाइस ऑफ यू वन ये वाली चीज आ गई तो माइनस यू टू प्लस ट्वाइस ऑफ यू वन ये एक चीज हो गई तो जरा ध्यान रखो ये वाले ही फॉर्मुले हैं ये वाले ही फॉर्मूले हैं इसमें कुछ नहीं किया है बेसिकली एक को नेग्लेक्ट कर दिया है तो कौन सेक्ट किया है सेकेंड वाले को नेग्लेक्ट कर दिया है मैंने एम टू को तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है तो बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखोगे जो ये बहुत बड़ा मास था ठीक है ये बहुत बड़ा मास था कौन सा वाला मेरे पास ये वाला और ये पहले u1 से करता तो तो बाद में भी u1 से मूव करता रहेगा इसकी में कोई चेंज नहीं आएगा इसकी में चेंज नहीं आ रहा इसका क्या मतलब है जिस से वो करता उसी से करता रहेगा मतलब देखो ना अगर कोई बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट हो कोई ऐसा ट्रक जा रहा हो उसमें कोई चीटी आके टक्कर मारे तो उस ट्रक की पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ठीक है तो बिल्कुल वैसा ही केस है ठीक है इसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा चीटी की कुछ फर्क पड़ जाएगा वो मैंने ऐसे निकाला है सिमिलरली मेरे पास ये सेकंड वाला केस है दो, दोनों एक दूसरे को फेस करते हुए जा रहे हैं ठीक है दोनों एक दूसरे को फेस करते हुए जा रहे हैं तो बेसिक तुम्हें कुछ नहीं करना वापस से एम छोटे एम को नेग्लेक्ट कर देना है और वो पिछले वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारे यहाँ आंसर आ जाएंगे ओके आई होप इट इज क्लियर टू यू ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हाँ अब ये इलास्टिक को जिन्होंने वॉल के साथ जब वॉल के साथ इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो इस, इसकी वैल्यू इसकी वेलोसिटी यू वन है इसकी एलॉसिटी यू टू जीरो है इसकी वी वन हो जाती है और ये वी टू भी ये जीरो ही रहता है इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता तो अगर तुम ध्यान से दोगे अगर ये पहले अगर किसी वेलोसिटी से जा रहा था तो इलास्टिक कोरिजन के बाद ये उसी वेलोसिटी से दूसरी डायरेक्शन में जाने लग जाएगा ठीक है तो इलास्टिक कोरिजन होता क्या अगर तुम किसी वॉल से हिट करते हो यू वेलोसिटी से तो इसके बाद ये वापस से यू वेलोसिटी से मूव करने लग जाता है ओके, okay. दूसरी डायरेक्शन में ओके okay. अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं है अगर इलास्टिक कोलिजन यही नहीं है तो अगर तुम इसको यू से ये यू से हिट करते थे बाद में किस डायरेक्शन से हिट कर चल जाता है ई e, यू से चल जाता है ई इज द कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ओके ई इज द कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ठीक है नाउ बेसिकली इलास्टिक कोल्यूशन में क्या होता है ये थीटा है तो ये थीटा होगा तो ये यू कॉस्ट थीटा होगा ये यू साइन थीटा होगा कोलिजन के बाद क्या और होता है भाई ये देखो कोलिजन हो कैसे रहा है परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन के लॉन्ग हो रहा है तो इस डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से ये हिट कर रहा था इलास्टिक कोलिजन के बाद उसी वेलोसिटी से वो रिटर्न कर जाएगा तो ये यू कॉस्ट थीटा से आता तो यू कॉस्ट थीटा से वापस चल जाएगा इम्पैक्ट और लाइन किस तरफ है इम्पैक्ट लाइन परपेंडिकुलर टू तो द प्लेन है

तो बेसिकली यू कॉस थीटा यू साइन थीटा का रिलेशन कितना हो जाएगा बाद में यू ही बन जाएगा वो तो so बेसिकली वो बेसिकली यू से आया था वो किसी थीटा एंगल पे और वो क्या है यू से ही रिटर्न कर गया है किसी थीटा एंगल पे वापस से ओके okay? तो मेरे लास्टिक इक्वेशन वाला केस हो जाता है याद रखते जाओ बस इसको हाँ अगर मेरे पास कुछ ऐसा केस होता है कि ये थीटा है ये थीटा है ये यू कॉस थीटा से गया है ये यू साइन थीटा से गया है तो कोलिजन के बाद इस वाली वेलोसिटी में तो कोई फर्क नहीं है क्योंकि जा तो e ना अगर, में, अगर e तो ये e U से वापस आएगी तो ये यू कॉस्ट थीटा से हिट कर रहा है परपेंडिकुलर पेंडिकुलर अलॉन्ग अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो ई यू कॉस्ट थीटा से वो रिटर्न कर जाएगा ठीक है तो बेसिकली मेरे पास ये लैट से कुछ अल्फा है ये कुछ वी वेलोसिटी से रिटर्न किया है ये अल्फा है तो ये अल्फा है, तो ये v cos अल्फा नहीं मैंने अल्फा गलत बना दिया बेटा ये बस अल्फा है तो ये वाला अल्फा होगा तो ये v cos अल्फा और ये v sin अल्फा तो बेसिकली u sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा v cos v sin अल्फा के बराबर हो जाएगा और e u cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा v cos

तो मैं इसे बट डायग्राम आ, आपको बना के शो कर देती हूँ ये था यू कॉस थीटा ये था यू साइन थीटा ये तो यू साइन थीटा ही रहता है और ये U यू कॉस थीटा ये अल्फ़ा था तो वी कॉस अल्फा और वी साइन अल्फा ओके ये चीज़ें थी मेरे पास इसको मैंने कुछ नहीं किया है को लिखा है ये वन टू एक बार स्क्वायर करके ऐड किया एक बार डिवाइड कर दिया

और एक होता है ई e की वैल्यू ऑफ अप्रोच कितना है वो वी टू माइनस वी वन आ जाएगा तो so, मेरे पास ये दो इक्वेशन हो गई है मेरे पास दो इक्वेशन हो गई है इक्वेशन वन और इक्वेशन टू अब इनको दोनों को सॉल्व करना है तो so, अगर हम इनको एड कर लेते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा यू वन प्लस ई इज टू ऑफ वी टू तो V2 की जो वैल्यू हो जाएगी u वन प्लस ई डिवाइड बाई टू आ जाएगी और v1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो u वन माइनस ई डिवाइड बाई टू आ जाएगी तो कुछ नहीं करना है। v1 वन बाय करना है तो वन माइनस ई डिवाइड बाय वन प्लस ई तो वन माइनस ई डिवाइड बाय वन प्लस ई ऑप्शन हो जाएगा अपने पास वन ठीक है तो मैंने कुछ नहीं किया है पहले तो मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन एम यूज एम वन यू वन प्लस

तो अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन से लिखूं इंटू एम प्लस टेन इंटू एम इज इक्व एम इंटू वी वन प्लस तो ये वाली हो गई है अगर मैं इसको आगे देखू तो दूसरा क्या होता है एक e सकते? तो ई e कितना होता है यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन में वन होता है ठीक है तो ई इज इक्व टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है सिक्सटीन माइनस टेन यानी कि वी टू माइनस वी वन डिवाइड बाई सिक्स तो वी टू माइनस वी वन की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी सिक्स आ जाएगी ये इक्वेशन टू हो गई है दोनों को इक्वेशन को ऐड कर दो जब ऐड करते तो अपने पास कितना था थर्टी टू इज इक्वल टू टॉइस ऑफ वी टू तो वी टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी सिक्सटीन आ जाएगी ठीक है और वी वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी टेन आ जाएगी देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है तो ये कितना आ जाएगा ये टेन मीटर पर सेकंड से मूव करने लग जाएगा और ये सिक्सटीन मीटर पर सेकंड से मूव करने लग जाएगा जब हमारे पास इलास्टिक कोलिजन होता है सेम मास की बॉडीज़ का ठीक है नोट डाल के लिख सकते हो यहां पे इलास्टिक कोलिजन ऑफ इक्वल मासेस तो हमारे पास क्या होता है वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है ठीक है

अच्छा ये रिटर्न करके अब ये वापस नीचे आएगी तो कितने कितनी वेलोसिटी जाएगी इसकी वापस ये से रूट टू जाएगी। भाई जिस वेलोसिटी से ऊपर जाती है तो उसी वेलोसिटी से नीचे आके हिट होती है जो हमने पढ़ा था मोशन सिमेट्रिक होता है मोशन अंडर ग्रेविटी तो ये नीचे गई तो ये ई रूट टू जी एच से नीचे आएगी इसके बाद ये हिट करने के बाद कितनी स्पीड से ऊपर जाएगी ई स्क्र रूट टू

वो कितनी स्पीड से जा रही है एच डैश हाइट गेन करती है हाइट गेन करती है तो क्या मैं पावर टू एंड रूट टू जी एच जो होता है टू एन नहीं होगा बेटा ई टू दावर एन होगा इधर सॉरी मैंने गलत लिख दिया ये ये क्या होगा भाई फर्स्ट के बाद फर्स्ट क्वेश्चन के बाद ई की पावर वन आया सेकंड क्वेश्चन बाद ई की पावर टू आया थर्ड के बाद ई की पावर

रूट टू जी एच डैश एनर्जी कंजर्वेशन से लिख सकती हूँ मैं तो इस दोनों का कर टू एन इन टू एच वुड स्पीड हाइट कोलिजन एक बार हम वापस से एक्सप्लेन जाती है तो नीचे रूट टू जी एच होती है और बेसिकली हम कह सकते हैं जब नीचे वेलोसिटी रूट टू जी एच होती है तो ऊपर एच हाइट तक जाती है दोनों वर्षा होते हैं तो फर्स्ट क्वाल एन के बाद इतनी है अगर उसकी बॉटम मोस्ट पॉइंट हाइट पे जाती है तो टू दी पावर एन रूट टू जी एच इज इक्वल टू रूट टू जी एच डैश टाइप ठीक है तो वैल्यू निकाली टू दी पावर टू है इज इक्व टू एच डैश तो पास आंसर आ गया ऑप्शन फोर ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम ट्रेवलिंग विदिटी यू वन यू टू कोलाइड इन इलास्टिकली द लॉस इन काइंटिक एनर्जी वुड बी काइंटिक एनर्जी में कितना लॉस होगा वो निकालना है तो मैंने बताया था कि लॉस इन काइंटिक एनर्जी था वो हाफ एम वन एम टू डिवाइड और यू वन का होल स्क्वायर इन वन माइनस ई स्क्वायर तो इलास्टिक पॉलिशन में कितना होता है इन इन इलास्टिक पॉलिशन में ई जीरो होता है तो हाफ एम वन एम टू डिवाइड वन प्लस टू यू वन माइनस यू टू का होल स्क्वायर वन माइनस जीरो स्क्वायर सो दिस कम्स आउट टू बी एम बाय फोर यू वन माइनस यू टू का होल स्क्वायर सो दिस इज एम बाई फोर यू वन माइनस यू टू का होल दी लॉस इन दी एनर्जी सो आंसर वुड बी ऑप्शन टू ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे ओके ना नेक्स्ट पढ़ जाते हैं बॉडी ऑफसिटी ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट इज जैस अंडर को इलास्टिक ओरिजन ओके अच्छा स्मॉल है देखो एक बहुत बड़ा है और एक बहुत स्मॉल है तो तुम्हारे को याद आ रहा अगर ये U1 से जाता है ये U2 से जाता है तो पॉल्यूशन के बाद क्या होता है ये U1 होता है और ये U माइनस में प्लस ऑफ U1 हो जाता है ये हमने पीछे पढ़ा था बॉडी के पोलिशन में प्लास्टिक में तो अगर ये 20 से जाता है तो ये तो बाद में भी 20 से जाता रहेगा और ये जीरो पे था तो ये कितना हो जाएगा माइनस जीरो प्लस टू इंटू ट्वेंटी यानी कि फोर्टी तो कितने से जाएगा फोर्टी से मूव करने वाला है इज क्लियर पिछले पार्ट चुके हैं ठीक है थीके? जिन बच्चों का कवर नहीं है वे पीछे रिवर्स करके देख लेना कि बहुत बड़े ऑब्जेक्ट और स्मॉल ऑब्जेक्ट कॉलिशन होता है तो हम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड है ऑप्शन टू आंसर हो जाएगा ओके इसको एक बार हाँ। अब हम कुछ टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है रोटेशन में से वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है सबको पता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक पॉइंट मास है और अगर वो किसी सर्कल में मूव कर रहा है किसी आर रेडियस के और उसका मास है एम ठीक है तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना हो जाता है एम आर स्क्वायर हो जाता है ठीक है किस एक्सिस के अबाउट इस एक्सिस के अबाउट जो कि इस एक्सिस के अबाउट अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो जो आई जो हो जाता है वो कितना होता है एम आर स्क्वायर ये हमने किसके लिखा है पॉइंट ऑब्जेक्ट के ठीक है हमने किसके लिखा है पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिखा है ओके okay. अगर हमारे पास कंटिन्यूस मास सिस्टम हो कंटिन्यूस ऐसे बहुत सारे मासेज हो तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे I इज इक्वल टू एम वन आर स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर टिल एम एन आर एन स्क्वायर ये निकल के आएगा अपने पास तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन सिग्मा एम आई तो अपन लिखा है सिग्मा एम आई इसको अपन इंटीग्रल के में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे पिछली बार किया किया था सिग्मा को DM, को अपन अपन ने ने इंटीग्रल में कर, R2 तो में कन्वर्ट कन्वर्ट वुड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ओके अब क्वेश्चन करते हैं इसके देखो फोर पॉइंट मासेस कौन कौन से एक यहाँ पे एक यहाँ पे यहाँ पे और चौथा कार्पिक यहाँ पे ठीक है तो ये एक्स ये रोटेट कर रहा है अबाउट एक्स एक्सिस तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो, तो बेसिकली ये वाला पॉइंट मास ऐसे रोटेट करेगा अच्छा ये वाला ऐसे रोटेट करेगा अच्छा ये वाला ऐसे रोटेट करेगा अच्छा और ये जो इस पे है उसका तो रेडियस जीरो ही होगा तो आर वन तो जीरो हो जाएगा आर टू जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा आर थ्री भी ए हो जाएगा और आर फोर जो हो जाएगा वो टू ए हो जाएगा ठीक है सबका रेडियस अलग अलग है अगर एक्स एक्सिस के बाउट रोटेट करते हैं तो इसका रेडियस ये होने वाला है इस वाले का रेडियस ये होने वाला है इस वाले का रेडियस ये होने वाला है और जो ओरिजिन पे लोकेटेड है उसका जीरो होने वाला है तो वन आर वन स्क्वायर बस यही करना है तो एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर प्लस एम टू ए का होल स्क्वायर तो टू एम ए स्क्वायर प्लस फोर एम ए स्क्वायर यानी कि सिक्स एम ए स्क्वायर तो आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन फोर ठीक है आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फोर सिक्स एम ए

नेक्स्ट पढ़ते हैं कुछ है जो याद रखने हैं रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिंग में क्या होता है सिर्फ और सिर्फ पैरेफ्री पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जब हमारे पास सिर्फ सिर्फ और, सिर्प और सिर्प पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उस केस में हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता होता है वो होता है वो ठीक है अच्छा अब हमारे पास ये हॉलो सिलेंडर भी है अगर आप देखो रिंग को आप इधर से देख रहे हो अगर होलो सिलेंडर को भी आप ऊपर से देखोगे रिंग को आप ऊपर से देख रहे हो ना ऐसे रिंग नीचे रोटेट करिए अगर आप होलो सिलेंडर को भी टॉप से देखोगे तो क्या वो रिंग जैसा दिखाई देगा क्योंकि तो हम टॉप से देखते तो उसकी उसकी लेंथ तो दिखाई नहीं देती ना तो इसीलिए टॉप से देखे तो बेसिकली कंप्रेस होकर वो रिंग जैसा ही दिखाई देगा तो जब हमें रिंग का पता है तो हम होलो सिलेंडर का भी वैसे लिख सकते हैं बेसिकली हॉलो सिलेंडर क्या बेसिकली बहुत सारी ऐसी रिंग्स हैं जो घूम रही है ठीक है तो एक रिंग का एम आर स्क्वायर तो सारी की सारी रिंग का टोटल मास इनटू आर स्क्वायर हो जाएगा तो हॉलो सिलेंडर का भी कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर हो जाएगा सिमिलरली एक डिस्क होता है जिसका कितना होता है एम आर स्क्वायर बाय टू होता है

है, वो इसके बाद रोटेट हो रही है अच्छा, तो तो तुम इसको यहां से देखो तो क्या तुम्हें एक रॉड जैसा दिखाई देगा क्योंकि तो पूरा का पूरा सरफेस दिखाई देगा लाइन जैसा दिखाई दे रहा है जो कि बेसिकली रॉड जैसा दिखाई दे रहा है ठीक है और बेसिकली जैसे आप समझ सकते हो जैसे बहुत जैसे कोई रेक्टेंगुलर शीट है बट अगर आप सिर्फ इसको इतना देख पाए तो रॉड जैसे यही

कितना होता है एज से होता है तो मैंने कितना दिया एम एल एक्वायर बाय थ्री और एन कौन सा होगा ईयर लेंथ क्योंकि तो मुझे तो ईयर ईयर लेंथ दिख ना लेंथ तो दिख ही नहीं दी ओके आई होप इट इज क्लियर नाउ सॉलिड स्फीयर सॉलिड स्फीयर का याद कर लो सॉलिड स्वेयर की तीनों एक्सिस सिमेट्रिकल होती है ये वाली ये वाली और ये वाली तीनों एक्सिस के वर्ड मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है तीनों के वर्ड एम टू बाई फाइव एम आर ए सॉलिड मतलब भारी तो नीचे फाइव आता है और जो होता है मतलब हल्का तो नीचे थ्री आता है ऐसे निमोनिक्स की फॉर्म में याद रख सकते हो ठीक है तो हॉलो कितना हो गया और ये तीनों एक्सिस जो होते, है, वो होते हैं वो सिमेट्रिक पे करती है ओके आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन करो जितने भी लोग बैठे यहाँ पे करो इसको बैठ के डू दिस क्वेश्चन क्वेश्चन है फोर सिमिलर पॉइंट मास मास कैपिटल एम एंड रेडीज आर द मूवमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट द नॉर्मल एक्सेस ओके

सभी रोटेट कर रहे हैं तो एम स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर तो टोटल कितना हो जाएगा एम स्क्वायर बाय टू प्लस फोर टाइम्स ऑफ स्मॉल एम स्क्वायर तो एम स्क्वायर बाय टू प्लस फोर टाइम्स ऑफ स्मॉल एम स्क्वायर ओके अब एक थ्योरम आती है अपने पास पैरेलल थ्योरम एक थ्योरम है अपने पास पैरल एक्सिस थ्योरम तो बेसिकली पैरल एक्सिस थ्योरम का कब यूज होता है अगर हमारे पास उस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास होती है ध्यान रखना सिर्फ सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस चाहिए तो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो मैं उस एक्सिस का भी निकाल सकती हूँ जो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के पैरेलल है यही है पैरेलल थ्योरम

नाउ एक परपेंडिकुलर एक्सिस एक्सर ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ टू डी ऑब्जेक्ट के लिए के लिए डिफाइंड है ठीक है अगर टू डी ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए डिफाइंड है हमारे पास ये ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइंड नहीं है तो अगर कोई प्लेन है टू डी ऑब्जेक्ट का कोई प्लेन है, है वो जो ऑब्जेक्ट है वो वाई जेड प्लेन में लाई करता है तो मेरे पास आई जेड हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई ठीक है तो बेसिकली अगर तीन एक्सेज हैं नहीं जो ये जो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कौन से एक्सेस में लाई कर रहा है ये लाई कर प्लेन लाई कर रहा है एक्स वाई में लाई कर रहा है तो जेड क्या है परपेंडिकुलर है एक्स वाई में मेरा प्लेन है और जेड क्या है परपेंडिकुलर है तो मैं लिख सकती हूँ आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई तो टू डी ऑब्जेक्ट के लिए ही डिफाइंड है ये हर किसी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं लिख सकते ठीक है नाउ अगर तुम देखो बेसिकली तुम्हारे पास ये शीट है मैंने इस वाली एक्सिस और इस वाली एक्सिस के बता दिया था ठीक है जो कि सेंटर से पास है तो जाएगा 12. Sorry, 3, नहीं, 12. और इसके कितना है? ML2 12. ठीक है, तो 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 है उसके प्लेन में जो एक्सीज है वो कितनी एम बी तो जो परपेंडिकुलर है वो कितना हो जाएगा IZ is to IX plus IY. So, तो तो ये ये आंसर हो जाएगा ओके रेक्टेंगल शीट के लिए एक क्वेश्चन करते हैं the axis, X and एंड are आर इन plane ऑफ अ डिस्क आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ओके

प्लेन के कौन सी है एक्सिस है ना? तो मुझे क्या दे रखा है, X और y के दे रखा है. तो X का कितना पास टेन हो जाएगा ओके तो ये कितना हो जाएगा अपने पास टेन हो जाएगा आंसर okay? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन थ्री ओके ये वाली जो एक्सिस होती है लेफ्ट हैंड साइड पे वो एक्स प्लेन के परपेंडिकुलर होती है ओके okay? नेक्स्ट मूव करते हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन स्क्वायर प्लेन ए बी सी डी शोन इन द फिगर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ठीक है तो देखो जो दो एक्सिस होती हैं अपन सपोज एक्स आई देखो अपन लिखते आईज आईएक्स आईवाई तो बेसिकली आईएक्स आईवाई ये, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है और इन द प्लेन होती है और ये क्या होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है तो देखो जो आई ओ हो सकता है वो या तो आई वन प्लस आई टू हो सकता है या आई ओ जो हो सकता है वो आई फोर प्लस आई थ्री हो सकता है ठीक है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और इधर देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ठीक है तो मेरे पास या तो आई वन प्लस आई टू सकता है आई फोर प्लस आई थ्री हो सकता है तो इसमें से तो ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन वन है तो आंसर कितना हो जाएगा वन ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज मैक्सिमम अबाउट व्हिच ऑफ द एक्सिस पासिंग थ्रू इट अच्छा मुझे पता है कि अगर ये वाली एक्सिस होती है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है मुझे क्या होता है एम आर स्क्वायर बाय टू होता है और इसके अगर कोई पैरल एक्सिस है तो उससे कहते हैं एम आर स्क्वायर बाय टू तो पैरल एक्सिस एक यहाँ से पास हो रही है एक यहाँ से पास हो रही है एक यहाँ से, से पास हो रही है इन तीनों केसेस से पास हो रही है तो भाई इन इनके पास कितना होगा सबसे ज्यादा डी किसके लिए डी सबसे ज्यादा किसके लिए डिस्टेंस सबसे ज़्यादा किसके लिए मैक्सिमम फॉर बी ओके आगे बढ़ जाते हैं व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर अच्छा मुझे तो इस, इस एक्सिस पता है ना है ना

सेम मास है हॉलो और सॉलिड का तो टू बाइव एम आर वन स्क्र इज इक्वल ये होता है ना एक का टू बाई थ्री होता है ठीक है थीके? तो रेडाई कितना हो जाएगा आर वन अपॉन आर टू जो हो जाएगा वो तो फाइव अपॉन थ्री का रूट ओवर हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थ्री अपने पास सॉलिड डिवाइडेड बाय ये सॉलिड के लिए लिखा है मैंने और ये किसके लिए लिखा है हॉलो के लिए लिखा है ठीक है तो सॉलिड का रेडियस डिवाइड बाय हॉलो का रेडियस फाइव बाय थ्री द मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन रॉड ऑफ लेंथ एल अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर थ्रू इट्स सेंटर इज आई अगर कोई थिन रॉड है उसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई है और ये लेंथ एल है ठीक है

एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व देखो ऐसे चार रॉड्स है ठीक है मैं क्या करती हूँ सिर्फ और सिर्फ इस रॉड को देख रही हूँ अभी के लिए इस सिंगल रॉड को इस वाली को ठीक तो तो है तो मुझे ऐसे इस रॉड के बॉर्ड देखूंगी तो इसके इस एक्सिस के बॉर्ड निकालें तो इसके बॉर्ड मुझे पता है एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व होता है और ये डिस्टेंस एल बाय टू है ठीक है तो पैरल एक्सिस इस एक्सिस के बॉर्ड कितना देगा प्लस एम डी स्क्वायर यानी कि एम एल स्क्वायर बाय थ्री बन जाएगा तो ये तो एक रॉड की वजह से निकला तो ऐसे चार रॉड्स की वजह से कितना हो जाएगा तो स्क्वायर का कितना हो जाएगा फोर इंटू एम एल स्क्वायर बाय थ्री ठीक है तो जैसे फोर बाय थ्री एम एल स्क्वायर यहाँ से एम एल स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो क्या एम एल स्क्वायर यहाँ से ट्वेल्व आई है तो ये कितना हो जाएगा फोर बाय थ्री इंटू ट्वेल्व आई ये कितना हो जाएगा फोर टाइम्स आई हो जाएगा तो ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन फोर हो गया ओके आई होप इट इज क्लियर बेसिकली मुझे एक रॉड के अबाउट सेंटर के अबाउट पता है आई इज टू एम एल स्क्वायर है ओके okay? तो ऐसे स्क्वायर के अबाउट निकाल जो ऐसे चार रॉड से बनी है तो इस रॉड का मुझे इस एक्सिस के अबाउट पता है तो इस एक्सिस के अबाउट निकाल सकती हूँ मैं पैरल एक्सिस इसके अबाउट एम एल स्क्वायर स्क् होता है तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व प्लस एम एल स्क्वायर बाय टू दैट इज एम एल स्क्वायर बाय थ्री ठीक है ये से एक रॉड केस निकला है इसे चार रॉड केस से कितना हो जाएगा फोर इंटू एम एल स्क्वायर बाय थ्री तो विच कम्स आउट टू बी आई की फॉर्म में सिक्सटीन आई ओके द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर एंड मास एम अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग टेंजेंशियली परपेंडिकुलर टू द प्लेन रिंग है इस एक्सिस के बाद निकालना है मुझे इसके बोर्ड पता है इसके बोर्ड कितना होता है एम आर स्क्वायर होता है और ये डी कितना है डी के लिए कितनी रेडियस के बराबर है तो प्लस एम आर स्क्वायर सो दिस कम्स आउट टू बी टू ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर तो ऑप्शन कितना हो जाएगा पैरलेक्सिस थ्योरम से ऑप्शन ए ओके ना द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर अबाउट एक्सिस पी अच्छा तो पहले तो रिंग के लिए मुझे इस एक्सिस के वोट निकालू डायमी वाली एक्सिस के बोर्ड अगर मैं इसको ऊपर ध्यान से देखू तो बेसिकली मुझे पता है कि अगर ये आई होता है तो ये भी आई होगा और इस एक्सिस के वोट मुझे पता है, है। तो आई प्लस आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी एम आर स्क्वायर बाय टू हो जाएगी तो बेसिकली इस एक्सिस के कितना हो गया एम आर स्क्वायर बाय टू हो गया तो इस एक्सिस के कितना हो एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस एम डी स्क्वायर डी कितना है आर के बराबर ये, तो थ्री टू, स्क्वायर, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा ऑप्शन थ्री ओके ये डायमीटर से पास होने वाली एक्सिस का आई निकाला है मैंने मुझे प्लेन के परपेंडिकुलर वाली का एम आर स्क्वायर होता है तो आई प्लस आई एम आर स्क्वाई टू अब फिर पैरल एक्सिस थोड़ा लगाइए तो so, इस एक्सिस के बोर्ड एम आर स्क्र बाय टू होता है तो इस एक्सिस को एम आर स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर ओके ना होता है नेक्स्ट टॉपिक है रेडियस ऑफ गाइरेशन। फोर पार्टिकल्स ईच ऑफ मास कैपिटल एम आर प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ एल ओके बेसिकली रेडियस ऑफ गाइरेशन होता क्या पहले तो वो पढ़ लेते हैं सपोज कोई भी बॉडी है वो किसी एक्सिस के बाद रोटेट कर रही है ठीक है इसका मास एम है

ये क्या होता है क्या ये डायगनल का हाफ होता है डायगनल बट होता है डायगनल कितना होता है एल रूट टू डिड बाई ट एल बायट टू होता है तो ये पॉइंट पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा होगा तो इसका मोमेंट ऑफ एक पॉइंट पार्टिकल का एक पार्टिकल का कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर हो जाएगा तो एम L एल बाय टू का होल स्क्वायर यानी कि एम एल ऐसे फोर पार्टिकल्स का कितना हो जाएगा टू एम एल स्क् और टू एम एल चारे को चारे को एक सिंगल मास की तरह ट्रीट करूं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा रेडियस आएगा वही रेडियस ऑफ गायरशन होने वाला है तो बेसिकली यहाँ से मेरे पास आर जी की जो वैल्यू आ जाएगी अगर मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लूँ तो जो आर जी जो आ जाएगा वो हो जाएगा वन बाय टू एल स्क्वायर तो आर जी जो हो जाएगा एल बाय रूट टू हो जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन वन हो जाएगा आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन वन ठीक है द रेशो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन अच्छा तो बेसिकली एक डिस्क है

एम आर जी वन स्क्र ठीक है तो आर जी वन कितना जी वन पहली वाली का ऑफ गायश तो आर जी वन कितना हो जाएगा रूट फाइव बाई फोर आर ठीक है सिमिलरली दूसरा वाला क्या है सर्कुलर रिंग का अबाउट द सेम एक्सिस तो रिंग का कितना हो जाएगा ये रिंग वाले केस में कितना हो जाएगा ये मुझे पता है हमारे स्क्वायर बाई टू होता है तो ये कितना हो जाएगा एम तो आर टू प्लस एम आर स्क्री बाई टूम का इन दोनों का रेशियो निकालना है आर जी वन डिवाइड बाई आर जी टू तो दिस इज रूट फाइव बाई फोर रूट थ्री बाय टू यानी कि फाइव बाई थ्री टू बाई फोर यानी कि रूट फाइव बाई सिक्स ठीक है रूट फाइव बाई सिक्स तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन टू ओके इसको हाँ आज के लिए हम यही खत्म कर रहे हैं ओके तो बेसिकली आज हमने क्या पढ़ा सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा कोलिजन के बारे में पढ़ा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ा इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ और टॉपिक्स भी हैं जो हमने अभी नहीं कवर किए बट

ठीक है ये वाले जो नोट्स हैं दिज विल बी प्रोवाइडेड टू यू ओवर द टेलीग्राम चैनल आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इधर पोस्ट कर सकते हो और हाउ यूजफुल दिस सीरीज आर और हाउ यूजफुल दिस इंटायर कंटेंट फॉर यू यू जस्ट लेट एस नो इन द फीडबैक सेक्शन ओके एंड इसके अलावा अगर आपको लगता है आप कुछ पूछना चाहते हैं बताना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज टाइप इन दैक कमेंट बॉक्स आर टीम चेक इट ओके एंड डू शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज Okay, with your friends and your circle. Okay, and anything else that you want to know, you can let me know. Okay, so we're calling it a day. We meet in the next class. Okay, all the best.